हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता पंत आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लौंग के बारे में और उससे होने वाले फायदों के बारे में। साथ ही मैं आपको लौंग से बनी हुई कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में बताऊंगी जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग ने न केवल भारतीय किचन में अपना स्थान बनाया है बल्कि भारतीय पूजा पद्धति में भी उसका महत्वपूर्ण स्थान है। एक तरफ जहां लौंग हमारे खाने को बहुत ही स्वादिष्ट बना देती है, दूसरी तरफ उसमें मौजूद पोषक तत्व हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। लौंग में एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। साथ ही इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीज, आयोडीन, विटामिन के एंड सी, फाइबर, कैल्शियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिसके कारण ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी वजह से जो भी हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें इसका बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इससे बनी कुछ रेमेडीज के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपके दांत में दर्द है तो आप लौंग के इस्तेमाल से अपने दांत दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इस लौंग के जो एंटी इंफ्लामेटरी गुण हैं उसके चलते जो हमारे गम्स की स्वेलिंग है उसको ये काफी हद तक ठीक कर देती है, जिससे हमें पेन में राहत मिलती है। तो अगर आपके दांत में दर्द है तो आप एक कॉटन बॉल में लौंग के तेल की कुछ ड्रॉप्स डालिए और उस कॉटन बॉल की हेल्प से आपके जो दर्द वाला एरिया है उसमें धीरे धीरे मसाज कीजिए, जिससे कि आपके वहां की सूजन कम हो जाएगी और आपको दर्द में रिलीफ हो जाएगा। अगर आपके पास लौंग का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप लौंग का पेस्ट बना लीजिए, उसमें जैतून का तेल मिक्स कर लीजिए और उसको धीरे धीरे मसाज कीजिए और अप्लाई कीजिए। इससे आपका जो पेन है आपको उसमें रिलीफ मिल जाएगा। आप लौंग के पत्तों को पीस कर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैड ब्रीथ या मुंह के दुर्गंध की। अगर आपको बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है तो आप लौंग को ऐसे ही खा लीजिए, उससे भी आपकी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें डालिए दो लौंग और उसको अच्छे से बॉयल होने दीजिए। उसके बाद जब वह ठंडा हो जाता है, इस पानी को एज ए माउथ वॉश आप यूज कीजिए, तो आपकी बैड ब्रीथ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वॉमिट के बारे में। अगर आपको वॉमिट की प्रॉब्लम है या आपका जी मिचला रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हैंकी लीजिए और उसमें कुछ ड्रॉप लौंग के तेल की डालिए और उसको स्मेल कीजिए। उसको स्मेल करने से आपकी जो वो बेचैनी है, जो आपकी वॉमिट की प्रॉब्लम है, उसमें आपको राहत मिलेगी। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वॉमिट को रोकने के लिए लौंग का चूर्ण लीजिए, लौंग का पाउडर लीजिए, उसमें हनी मिक्स करके उसको खाइए। साथ ही आप एक चीज और कर सकते हैं, आप गर्म पानी में लौंग के तेल की कुछ बूंदे डालिए और उसे सिप सिप करके पीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं जॉइंट पेन की। अगर आपको जॉइंट पेन है और आपको घुटनों में स्वेलिंग है या कहीं भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लौंग और जैतून के तेल को बराबर मात्रा में मिक्स कीजिए और ये जो ऑयल है, मिक्स करने के बाद जो ऑयल तैयार होता है, इसको आप अपने घुटनों पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि लौंग में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। वो आपके इन्फ्लामेशन को, आपकी स्वेलिंग को कम कर देते हैं, जिसके चलते आपको पेन में रिलीफ होता है। या आप क्या कर सकते हैं, आप लौंग को भून लीजिए और एक कपड़े में बांध के पोटली तैयार कर लीजिए और वो जो भुने हुए लौंग की पोटली है, इससे आप अपने घुटनों पर धीरे धीरे सिकाई कीजिए, जिसके चलते आपको पेन में जल्दी ही राहत मिल जाएगी। तब तक पांव की सिकाई कीजिए जब तक कि वो पोटली ठंडी नहीं हो जाती। बात करते हैं कफ एंड कोल्ड की। अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो आप दिन में 2 से 3 बार लौंग की चाय बनाकर पीजिए। दिन में 2-3 लौंग आप ऐसे ही खा लीजिए और जो लौंग का तेल है उसको पानी में डालकर लौंग के तेल की भाप लीजिए। इससे आपका कफ और कोल्ड जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हेडेक की। हेडेक किसी भी कारण से हो सकता है, माइग्रेन से, टेंशन से, सर्दी से, किसी भी कारण से आपको हेडेक हो सकता है। पर अगर आपको हेडेक है तो आप एक हैंकी लीजिए, उसमें लौंग के तेल की कुछ ड्रॉप्स डालिए, उस हैंकी को 15 मिनट्स के लिए अपने माथे पर रख दीजिए और जब वह 15 मिनट तक आप हैंकी अपने माथे पर रखेंगे तो उसके बाद आपको हेडेक में काफी रिलीफ हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप लौंग का तेल लीजिए और उसमें कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या कोई भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है इक्वल मात्रा में मिला लीजिए
और उसके साथ में उसमें मिला लीजिए सी सॉल्ट, समुद्री नमक, और ये जो पेस्ट तैयार होता है इससे आप अपने फोरहेड पर मसाज कीजिए, उसको अपने फोरहेड पर अप्लाई कीजिए, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। कुकिंग करते वक्त लौंग का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप खाना खाने के बाद एक लौंग खा लीजिए जिससे आपका डाइजेशन सही रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कान दर्द की। अगर आपके कान में दर्द है, आपके ईयर में पेन है, आप क्या कीजिए कि जो लौंग का तेल है उसमें इक्वल मात्रा में जैतून का तेल मिक्स कीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए और अब एक कॉटन बॉल लीजिए और वो जो गुनगुना तेल है उसमें कॉटन बॉल डिप कीजिए और ये जो कॉटन बॉल है इसको आप अपने कान में रख लीजिए जिससे कि आपको कान दर्द में राहत मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं टेंशन की। आज की भागदौड़ की जिंदगी में टेंशन तो हर किसी को होना लाजमी है, मगर इस टेंशन से थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए, निजात पाने के लिए हम कुछ उपाय अपना सकते हैं। आप नहाते वक्त जो लौंग का तेल है उसको अपने नहाने के पानी में कुछ ड्रॉप डाल दीजिए और उस पानी से नहाइए, आपको रिलैक्स फील होगा। आप अपनी टेंशन को कम करने के लिए लौंग की चाय भी पी सकते हैं। फाइनली बात करते हैं पिंपल्स की। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप लौंग का तेल और कोकोनट ऑयल 1:10 के रेशियो में इस्तेमाल कीजिए। मींस अगर आप एक हिस्सा लौंग के तेल का लेते हैं तो 10 हिस्सा लीजिए कोकोनट ऑयल का, 1 टीस्पून अगर आप लौंग का तेल लेते हैं तो 10 टीस्पून कोकोनट ऑयल। और ये जो हमारा ऑयल तैयार होता है, मिक्सचर तैयार होता है, आपको क्या करना है कि कॉटन की हेल्प से अपने फेस पर दिन में 2 बार अप्लाई करना है और ये आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपका फेस क्लियर नहीं हो जाता या आपके पिंपल की प्रॉब्लम से आपको निजात नहीं मिल जाती है। ये तो बात थी लौंग के बेनिफिट्स की और लौंग से बनी होममेड रेमेडीज की। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल लो रहता है वो इसका इस्तेमाल ना करें, जो ब्लड थिनर ले रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें, साथ ही अगर आपको लौंग से एलर्जी है तो भी आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए। और वो लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, इसको लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसका एक्सेस यूज नहीं करना है। तो आई होप आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।